हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, क्लास 9। और आज हमारे चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंसेस हैं, और क्लाइमेट कैसे बनता है या मॉनसून क्या होता है, और इंडिया का क्लाइमेट क्या है, और कैसे जो मौसम है वो चेंजेस होते हैं, वो सब आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इन द लास्ट टू चैप्टर्स, लास्ट टू चैप्टर्स के अंदर हमने रीड किया था लैंडफॉर्म और ड्रेनेज ऑफ आर कंट्री। लैंडफॉर्म और ड्रेनेज के बारे में हमारी कंट्री के, और ये दोनों दो एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट में से, और एक जो है जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एनी एरिया। और जो थर्ड जो एलिमेंट है जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और वो एलिमेंट है एटमोसफियरिक कंडीशंस दैट प्रिवेल ओवर द कंट्री, जो हमारी कंट्री पर मौजूद होती हैं। इसमें हम बताएंगे कि क्यों हम लोग सर्दियों में वुलन कपड़े पहनते हैं दिसंबर में, एंड वाई इट इज़ हॉट, और क्यों गर्मी होती है या अनकंफर्टेबल महसूस होता है इन द मंथ ऑफ मई, मंथ ऑफ मई के अंदर, एंड वाई इट रेन्स इन जुलाई, इन जून एंड जुलाई, और बारिश क्यों आती है जून और जुलाई के अंदर। द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सब के जो आंसर्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम पाते हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है वो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का क्लाइमेट से रिलेटेड ये चैप्टर है। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन। क्लाइमेट का मीनिंग जो डेफिनेशन है कि क्लाइमेट रेफर्स टू द सम ऑफ द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन है उसका टोटल सम क्लाइमेट कहलाता है, एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इसके साथ साथ में लार्ज एरिया में लॉन्ग समय तक, लॉन्ग पीरियड में, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, और ये जो टाइम पीरियड है वो मोर देन 30 ईयर्स होना चाहिए। तो 30 ईयर्स का जो समय है या पीरियड है, इसमें हम देखते हैं कि कितना वेदर जो है वो कैसा है, उसका टोटल किया जाता है और फिर क्लाइमेट निकल के आता है। तो क्लाइमेट को हिंदी में हम बोलते हैं जलवायु, यानी कि जल और वायु इसमें दोनों मिल जाते हैं, कि इसका क्या इफेक्ट है। देन फिर आता है वेदर, वेदर का मीनिंग क्या होता है, वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमोसफियर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट। और जो वेदर है वो किसी भी एटमोसफियर, किसी भी एरिया के एटमोसफियर के बारे में बताता है, या एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है कि इस समय पर जो ये एरिया है इसके अंदर ऐसा एटमोसफियर है, तो वो बताता है वेदर। जैसे कि मान लीजिए दिन के अंदर वेदर कई बार चेंज होता है, वेदर को हम मौसम बोलते हैं। जैसे कभी बहुत तेज धूप निकलती है और धूप के बाद एकदम बादल छा जाते हैं, तो हम बोलेंगे वेदर कैसा है, सनी वेदर है। अगर फिर उसके बाद बादल छा गए तो कैसा वेदर है, क्लाउडी वेदर है। और उसके बाद अगर रेनफॉल आ गए तो कैसा वेदर है, कि भाई रेनफॉल आ रहा है। तो ये वेदर जो होता है पल पल चेंज होता रहता है, और ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। द एलिमेंट, और जो एलिमेंट है वेदर और क्लाइमेट के, वो दोनों सेम ही हैं। जो एलिमेंट वेदर में होते हैं वही एलिमेंट्स क्लाइमेट में होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, एटमोसफेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये एलिमेंट्स है। टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान, एटमोसफेरिक प्रेशर मतलब होता है वायु का दबाव, या इसको हम वायु दाब भी बोलते हैं। विंड मीन्स हवा, एंड ह्यूमिडिटी मीन्स नमी, एंड प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल। तो यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएटेड। और हम आप लोग ये जानते हैं कि जो वेदर कंडीशन है वो हमेशा बदलता रहता है, फ्लक्चुएटिंग मतलब होता है चेंज होना। तो जो वेदर कंडीशन है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे, एक दिन के अंदर कई बार ये चेंज होता है। बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक, लेकिन कुछ जो पैटर्न है वो सेम रहता है फ्यू वीक्स और मंथ्स के अंदर। दैट इज ये हो सकता है कि या तो डेज जो है वो ठंडे हैं या हॉट है, या विंडी एंड काम, जो विंडी है वो काम है, द हवा शांत है, या क्लाउड
क्लाउडी और ब्राइट है, यानी कि आसमान में बादल हैं या बादल नहीं हैं तो ब्राइट हो गया। एंड वेट और ड्राई या मौसम नमी वाला होता है या शुष्क होता है, यानी कि जिसमें नमी नहीं होती। ऑन द बेसिस ऑफ जनरली मंथली एटमोस्फेरिक कंडीशन द ईयर इज डिवाइडेड इंटू सीजन। और अगर हम मंथली के अकॉर्डिंग एटमोस्फेरिक कंडीशन को डिवाइड करते हैं तो इसको सीजन में डिवाइड किया जा सकता है। सीजन मीन्स होता है ऋतु, जैसे कि विंटर, समर और रेनी। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन, और जो वर्ल्ड है उसको भी डिवाइड किया गया है क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर। क्या आपको पता है कि इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का है और ऐसा क्यों है? वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। और इसी क्वेश्चन के आंसर को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है और इंडिया का क्लाइमेट ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मानसून को, कि मानसून का मतलब क्या होता है। द वर्ड मानसून इज ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। और ये जो मानसून वर्ड है ये अरेबिक वर्ड मौसिन से निकला हुआ है, विच लिटरेली मीन्स, और जिसका लिटरेली मतलब होता है सीजन, मतलब ऋतु है। मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल, और जो मानसून है ये रेफर किया जाता है सीजनल रिवर्सल को इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। साल में हवा की डायरेक्शन कैसी है उसी से हम मानसून को रेफर करते हैं। सीजनल रिवर्सल, रिवर्सल मतलब होता है कि जब ये मानसून की हवाएं हैं जब वो रिवर्स होके वापस आती हैं तो उनको सीजनल रिवर्सल कहा जाता है, और ये हमेशा चेंज होती रहती है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज अ मानसून टाइप। और जो क्लाइमेट है इंडिया का उसको डिस्क्राइब किया गया है मानसून टाइप को, यानी कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट है। एंड एशिया, इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। एशिया के अंदर इस टाइप का जो क्लाइमेट है वो या तो साउथ में पाया जाता है या फिर साउथ ईस्ट के ईस्ट में पाया जाता है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन जनरल पैटर्न, और इसके अलावा जो वैसे देखा जाए तो यूनिटी जनरल यूनिट पैटर्न में यूनिटी पाई जाती है सब जगह। परसेप्टेबल रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन अ कंट्री। और इसका मतलब ये हुआ कि अपनी कंट्री के अंदर ही जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उसमें रीजनल वेरिएशंस पाए जाते हैं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं रीजनल। लेट अस टेक टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। चलो अब हम है ना ऐसा करते हैं, दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को ले लेते हैं। एक तो हो गया आपका टेम्परेचर, दूसरा हो गया प्रेसिपिटेशन। ये दो एलिमेंट्स हैं, और एग्जामिन करते हैं कैसे ये प्लेस टू प्लेस या सीजन टू सीजन अलग अलग पाए जाते हैं। वेरी मीन्स होता अलग 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 होना, डिफरेंसेस। इन समर, समर के अंदर जो मरकरी है वो ओकेजनली टच कर जाती है 50 डिग्री सेल्सियस राजस्थान के कुछ हिस्सों में, खास करके डेजर्ट एरिया में। वेयर इज इट मे बी अराउंड, जबकि ये 20 डिग्री सेल्सियस होता है पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। उसी समय मतलब समर सीजन के अंदर ही अगर आप पहलगाम कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे तो टेम्परेचर वो 20 डिग्री होता है। और राजस्थान के जो वेस्टर्न एरिया है या डेजर्ट एरिया है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम विंटर सीजन का लें तो विंटर की जो नाइट जो टेम्परेचर होता है द्रास के अंदर, द्रास है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, एंड ये -45 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। तिरुवनंतपुरम, और वहीं अगर हम दूसरी तरफ तिरुवनंतपुरम जो केरल की कैपिटल है उसको अगर लेते हैं तो वहाँ जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप देखेंगे कितना वेरिएशन पाया जा रहा है, एक तरफ तो -45 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी तरफ 22 डिग्री सेल्सियस है। इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज वाइड डिफरेंसेस। और ये तो बताया कि समर सीजन और विंटर सीजन के अंदर टेम्परेचर अलग अलग पाए जाते हैं, और मतलब रीजन टू रीजन अलग पाए जाते हैं, लेकिन एक ही जगह का जो टेम्परेचर है वो भी, उसमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, और वो भी दिन और रात के टेम्परेचर में। और वो जगह जैसे अगर मान लीजिए थार डेजर्ट है, उसको अगर हम लेते हैं तो जो दिन का टेम्परेचर होता है, डे का टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक। और रात के टाइम ये 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है सेम नाइट। ये बात कर रहे हैं गर्मियों के सीज़न की।
वहीं अगर हम दूसरी तरफ अगर लें डे एंड नाइट के टेम्परेचर को, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, हार्डली चेंज होता है, मतलब बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। और वो जो रीजन्स हैं वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड केरल। क्यों? क्योंकि ये कोस्टल एरियाज़ के अंदर आते हैं और ये इनलैंड एरिया है, डेजर्ट एरिया, इस वजह से यहाँ टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। ये कोस्टल रीजन है इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत कम इसमें वेरिएशन पाया जाता है। लेट अस लुक एट प्रेसिपिटेशन। अब हम प्रेसिपिटेशन के बारे में देखते हैं। प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल। देर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। जो प्रेसिपिटेशन का टाइप है या उसके फॉर्म है, उसमें ही न केवल अंतर पाया जाता है बल्कि इसकी अमाउंट के अंदर भी डिफरेंसेस पाया जाता है, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंस पाया जाता है। वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। जो प्रेसिपिटेशन है वो स्नोफॉल के रूप में होती है अपर पार्ट ऑफ हिमालयस में, और रेन के रूप में होती है रेस्ट ऑफ कंट्री में। तो ये फॉर्म में अंतर पाया जा रहा है। तो प्रेसिपिटेशन के भी कई फॉर्म हैं, जैसे कि आपका रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया, हेल हो गया, ड्यू हो गया, तो ये सभी प्रेसिपिटेशन के ही फॉर्म हैं। तो उसमें बताया कि जो माउंटेन एरियाज हैं हिमालयाज में, वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होता है वो स्नोफॉल के रूप में होता है, वहीं बाकी जो कंट्री है वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होता है वो रेनफॉल के रूप में होता है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेराइज। और जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है इसमें भी अंतर पाया जाता है। 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है मेघालय के अंदर, और 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में, और इसी वजह से लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है और वेस्टर्न राजस्थान को हॉट डेजर्ट, और ये थार डेजर्ट। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल, और ज़्यादातर जो कंट्री का हिस्सा है वहाँ पर जो रेनफॉल है वो जून से सितंबर के अंदर आती है, लेकिन तमिलनाडु के कुछ हिस्सों के अंदर जो रेनफॉल है वो लार्ज पोर्शन के अंदर रेन ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड नवंबर। तमिलनाडु के अंदर जो रेनफॉल होती है वो अक्टूबर और नवंबर के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अदरवाइज गर्मियों के सीज़न में जहाँ पूरी कंट्री में रेनफॉल होती है, वहाँ तमिलनाडु के अंदर नहीं हो रही होती है। इन जर्नल जर्नल के अंदर अगर हम देख जर्नल कोस्टल एरियाज़ में अगर हम देखते हैं, तो जो कोस्टल एरियाज़ है वो एक्सपीरियंस करता है लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है अंतर आना। तो जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर जो टेम्परेचर है उसमें कम डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर, और जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट है यानी सीजनल जो डिफरेंसेज हैं इंटीरियर के अंदर वो ज़्यादा पाए जाते हैं। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल इंक्रीज जर्नली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और जो रेनफॉल है धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते आते इन द नॉर्दर्न प्लेन नॉर्थ प्लेन। दीज वेरिएशंस, और ये जो वेरिएशंस है, हैव गिवन राइज टू वैरायटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, और इसी की वजह से जो लोगों की ज़िंदगी है उसमें भी कई वेरिएशंस पाए जाते हैं, कई वैरायटीज आ जाती हैं। इन टर्म ऑफ फूड, खाने से रिलेटेड हो चाहे जो वो खाते हैं, या कपड़ों से रिलेटेड हो जो वो पहनते हैं, एंड ऑल्सो काइंड ऑफ हाउसेज, उनके घरों में भी जो वैरायटी है वो पाई जाती है, मतलब अलग अलग टाइप्स के उनके घर भी होते हैं। ये डिपेंड करते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा उस पर। अब इनमें कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर लिए गए हैं कि राजस्थान के घरों की जो छतें होती हैं वो मोटी क्यों होती हैं, फ्लैट रूफ क्यों होती हैं। इसका रीज़न ये है कि राजस्थान के अंदर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो अगर मोटी और फ्लैट रूफ होंगी तो गर्मी अंदर गर्मी कम जाएगी। और दूसरा रीज़न ये है कि इसमें पानी की जो रेनफॉल है वो कम होती है, तो इस वजह से यहाँ के जो वॉल बनाए गए हैं वो थिक और फ्लैट रूफ के होते हैं। वहीं अगर हम देखें कि हाउसेज जो हैं तराई रीजन्स के, जैसे कि गोवा और मैंगलोर, इसके जो रूफ्स होते हैं छतें होती हैं वो स्लोपिंग की होती हैं, ढलान वाली की होती हैं, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, और रेनफॉल ज़्यादा होती है इस वजह से इन्होंने स्लोपिंग रूफ कर रखे हैं। अगर फ्लैट और थिक वॉल होते तो पानी इसी में भर जाता और छतों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर स्लोपिंग रूफ दे रखा है कि क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा होती है, और इसी वजह से जो भी चीज़ अगर इसमें गिरेगी तो फिसल कर नीचे आ जाएगी और उसमें नहीं रुकेगी। वाइल्ड हाउसेज ऑफ असम बिल्ड ऑन सिल्ट, तो जो असम के हाउसेज हैं वो सिल्ट के क्यों बने हुए हैं? असम में भी रेनफॉल ज़्यादा होती है, बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है, तो बहुत ये रीजंस हैं जो कि हमारे घरों की बनावट पर भी अपना इफेक्ट डालते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल।
देर आर सिक्स मेजर कंट्रोल्स, छह मेजर कंट्रोल्स हैं ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट के किसी भी जगह के। और ये जो सिक्स मेजर कंट्रोल हैं, या हम बोल सकते हैं इनको फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, और ये हैं लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड सी एंड ओशियन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। लैटिट्यूड मीन्स होता है अक्षांश, तो अक्षांश मतलब ये हो गया कि लैटिट्यूड जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा 5 लैटिट्यूड्स होते हैं, इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है। और उसके बाद ऊपर जाते हैं तो वो आ जाता है आपका आर्टिक सर्कल आ जाता है, आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री है, और नॉर्थ पोल आ जाता है आपका 90 डिग्री नॉर्थ। और वैसे ही अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो एंटार्क्टिक सर्कल आ जाता है 66.5 डिग्री साउथ, और नीचे साउथ पोल आ जाता है। तो ये क्या है, लैटिट्यूड्स। देन ऑल्टीट्यूड्स मीन्स होता है हाइट, तो हाइट के अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर में बहुत डिफरेंसेस पाए जाते हैं। देन प्रेशर, प्रेशर मतलब होता है दबाव, हवा का दबाव कैसा है, एंड विंड सिस्टम कैसा है, हवाएं कैसी चल रही है, गर्म गर्म जगह से आ रही है, ठंडी जगह से आ रही है, तो वो विंड सिस्टम में आ जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी कितनी है किसी भी रीजन की, कॉन्टिनेंटल एरिया है या वो समुद्र के आसपास वाला एरिया है, कोस्टल एरियाज है। एंड ओशन, ओशन करंट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हॉट करंट और दूसरा होता है कोल्ड करंट। तो हवाएं कहाँ से आ रही हैं, हॉट करंट की तरफ से आएंगी तो गर्म होंगी, कोल्ड करंट की तरफ से आएंगी तो ठंडी होंगी। एंड रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर यानी कि बनावट, लैंड की लैंड सरफेस कैसा है देखने में, माउंटेन एरिया है, प्लेट्यू है या प्लेन है, तो ये रिलीफ फीचर कहलाता है। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, कि जो हमारी अर्थ की बनावट है उसके हिसाब से, उसकी वजह से द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेराइज, जो सोलर एनर्जी है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग पाई जाती है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग। एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज, और जो एयर का टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और जैसे ही कोई सर्फेस ऑफ द अर्थ पर जाता है, मतलब अर्थ के सरफेस से हाइयर ऑल्टीट्यूड की तरफ जाता है, हाइयर हाइट की तरफ जाता है, एटमोसफियर बिकम लेस, और जो एटमोसफियर है, जो वायु का दबाव है वो कम हो जाता है, एटमोसफियर बिकम लेस डेंस, लेस कम घना हो जाता है, एंड टेम्परेचर डिक्रीज, और जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर कम होना शुरू मतलब क्या होता है कि जो है ठंडक पड़ने लग जाती है, ठंड होने लग जाती है। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग द समर, और इसी वजह से जो हिल्स हैं वो समर के दौरान ठंडे होते हैं क्योंकि वो ऊंचे एरियाज के अंदर होते हैं। द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, और विंड का जो प्रेशर, विंड या प्रेशर जो भी है, ये जो सिस्टम है वो डिपेंड करता है लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड पर किसी भी प्लेस के। दस इट इन्फ्लुएंस, इस प्रकार से ये प्रभाव डालता है टेम्परेचर पर, रेनफॉल पैटर्न पर। द सी एग्जर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, लेकिन जो समुद्र के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर जो क्लाइमेट पाया जाता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब न ज़्यादा सर्दी है न ज़्यादा गर्मी है, इस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। और डिस्टेंस फ्रॉम द, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बनती है, बढ़ते जाते हैं, इट्स मॉडरेट इन्फ्लुएंस डिस्ट्रिक्ट। मॉडरेट मतलब कि समुद्र के पास रहेंगे तो ना ज़्यादा सर्दी होगी ना ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाएंगे वैसे वैसे जो मॉडरेट का जो प्रभाव है, सर्दी और गर्मी का जो असर है बराबर रहने का, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर, और जो लोग हैं उनको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन महसूस होने लग जाएगी। तो एक्सट्रीम मतलब क्या हो, बहुत ज़्यादा या बहुत कम। जैसे मान लीजिए सर्दी होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, और गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत कम, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन महसूस करने लग जाते हैं जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है।
दिस कंडीशन इज नोन एज द कॉन्टिनेंटली, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटली। कॉन्टिनेंटली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट पर होती है, लैंड एरिया पर होती है, दैट इज हॉट ड्यूरिंग द समर, जो कि गर्मियों में बहुत गर्म होता है और सर्दियों में बहुत ठंडा होता है। देन फिर आता है ओशनीकरण। ओशनीकरण, ओशनीकरण मतलब क्या हुआ, अलॉन्ग विद द ऑन शोर विंड, जैसे जो विंड है किस किस डायरेक्शन से आ रही है, ओशनीकरण वहाँ पर कैसे हैं, उसका जो प्रभाव है वो विंड पर पड़ता है। ओशनीकरण अलॉन्ग विद द ऑन शोर विंड, ऑन शोर मतलब जो किनार से बहती हैं, जो हवाएं जो बह रही होती हैं वहाँ से, इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज, उसका जो प्रभाव है वो कोस्टल एरिया के क्लाइमेट पर पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरियाज, जैसे कि कोई भी कोस्टल एरियाज विद वार्म और कोल्ड करंट, या तो हो सकता है वो वार्म करंट हो या फिर कोल्ड करंट हो, फ्लोइंग पास्ट इट और वहाँ से गुजर रही हो, विल वार्म्ड और कोल्ड। अगर मान लीजिए हॉट करंट वहाँ से, हॉट करंट वाले एरिया से आई है अगर विंड्स, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा कैसा होगा, हॉट हो जाएगा। और अगर कोल्ड एरिया से आए हैं तो फिर कैसा होगा, कोल्ड हो जाएगा। तो ये इसमें बता रखा है कि जहाँ से गुजरती हैं वो हवाएँ वार्म हो या कोल्ड हो, तो वैसा ही वो हवाएँ बन जाती हैं। वार्म एरिया से आएंगी तो वार्म हो जाएंगी, कोल्ड एरिया से आएंगी तो कोल्ड एरिया हो जाएंगे, कोल्ड हो जाएंगे। फाइनली रिलीफ, और लास्ट में जो रिलीफ है वो भी अपना एक इम्पॉर्टेंट फीचर निभाती है, अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए हाई माउंटेन है, जैसे कि ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन है वो एक बैरियर का रूप में काम करते हैं। बैरियर मीन्स होता है रुकावट, एक रुकावट के रूप में काम करते हैं। और किसको रोकने का काम करते हैं, कोल्ड और ठंडी जो हवाएं हैं, कोल्ड और हॉट विंड्स के बीच में एक रुकावट बन के खड़े हो जाते हैं, एंड दे मे कॉज द प्रेसिपिटेशन, और इन्हीं की वजह से ही प्रेसिपिटेशन होता है या रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होता है। इफ़ दे आर हाई एनफ एंड लाइज इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स, अगर ये बहुत ऊंचे होते हैं और जो हवा जो बादल अपने साथ रेन लेके जा रहे होते हैं, या जो हवाएं जिनमें रेन वाटर्स रेन ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो उनके रास्ते में अगर ये माउंटेन आ जाए, ये बहुत ऊंचे होते हैं, तो जो रेनफॉल होती है वो उसी डायरेक्शन, मतलब जहाँ पर वो होते हैं उसके माउंटेन्स होते हैं वहीं पर ये टकराकर और रेनफॉल वहीं हो जाती है। और माउंटेन के बैक साइड के अंदर, जिसे हम लीवर्ड साइड बोलते हैं, वो हमेशा ड्राई रहता है। क्यों? क्योंकि जो क्लाउड है वो तो पहले ही, जैसे रेनफॉल तो पहले ही हो चुकी है, तो फिर वो हल्के होके ऊपर उठ के आगे जाते हैं, तो आगे वाटर नहीं होता है क्लाउड्स के अंदर, और इसी वजह से जो एरिया होते हैं वो ड्राई होते हैं। तो ये तो था आपका क्लाइमेटिक कंट्रोल, या हम कह सकते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे या कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स थे। अब इसी के डिटेल जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी, फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट में। तब तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसको आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।